आज मुझे जाना था अपने ससुराल इन द सेंस पति जी के घर, जो रियल ससुराल है मेरी, आज हम वहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने आज साड़ी पहनी है और एकदम ट्रेडिशनल लुक, क्योंकि ससुराल होती है। और रियांश, आपको अच्छा लग रहा है? गुस्से आओ, मम कर दो। देखो पापा कैसे मम कर रहे हैं। मम्मा, अच्छा लग रहा है? हाँ, तो क्या हो गया, मजा आ रही है ना? आज मेरी मम्मा इतनी खुश है क्योंकि काफी टाइम बाद वो गांव जा रही है, और गांव जाने में तो बस, अगर गांव जाने का नाम ले लो, कितनी भी बीमार है ठीक हो जाती है। अच्छा लग रहा है मम्मा? आज तो मम्मा के मजे है ना मम्मा? हाँ सही बात है, हाँ बात तो सही बोल रही। बीमार हो गई थी, नहीं तो मम्मा तो गर्मियों में 2-3 महीना मम्मा का वही बीतता था। मार्केट है जहाँ पे ये लोग शॉपिंग वगैरह किया करते थे बचपन में, बहुत छोटे थे, यहाँ पे मेला भी लगता था, तो ये लोग 1-2 रुपए लेके आते थे मेला घूमने। माय गॉड, अब तो 1 रुपए में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। पर पहले के 1 रुपए बहुत होते थे, बच्चों को मिल जाते थे तो बच्चे बड़े खुश हो जाते थे, वो लैया वगैरह खरीदते थे। देखिए सामने कितना बड़ा लैया का ठेला है, भी आज भी यहाँ लहिया वगैरह मिलती हैं और बहुत अच्छी मिलती हैं। सुबह ड्राइविंग कर रहे हैं और आज बहुत खुश है, गांव जा रहे हैं तो, और खुश क्यों नहीं हो, यहाँ के खेतों में बहुत खेला करते थे ये लोग बचपन में, ऐसा बताते हैं। पुराने दोस्त मिलेंगे, हाँ दोस्त यार मिलेंगे सब, अरे बहुत सारे लोग मिलेंगे बचपन के दोस्त, लंगोटी वाले यार मिलेंगे और पता नहीं कौन कौन मिलेंगे इन लोग को। कंपटीशन था, उसने मना कर दिया, बोला मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये शाम को लौट जाना है, हमको रुकना नहीं है, इसलिए हम उनको छोड़ के आएंगे। और एक भाभी है मेरी पड़ोसी, जो उनको देख लेंगे अच्छे से, इस वजह से मैं फ्री थी। और मॉर्निंग में जल्दी उठ के सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया, फिर हमने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद फिर तैयार हुए, जल्दी निकलना भी था तो इसकी वजह से हम जल्दी निकल गए। और अब हम टर्न हो रहे हैं अपने ससुराल के लिए, उसी जाता है रास्ता मेरे ससुराल। हम लोग कहाँ पहुँच गए, गढ़ पहुँच गए। एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पे ये लोग शॉपिंग वगैरह किया करते थे बचपन में, बहुत छोटे थे, यहाँ पे मेला भी लगता था, तो ये लोग 1-2 रुपए लेके आते थे मेला घूमने। माय गॉड, तो 1 रुपए में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। पर पहले के 1 रुपए बहुत होते थे, बच्चों को मिल जाते थे तो बच्चे बड़े खुश हो जाते थे, वो लैया वगैरह खरीदते थे। देखिए सामने कितना बड़ा लैया का ठेला है, भी आज भी यहाँ लैया वगैरह मिलती है और बहुत अच्छी मिलती है। ड्राइविंग कर रहे हैं
और आज बहुत खुश है गांव जा रहे हैं तो। और खुश क्यों नहीं हो, यहाँ के खेतों में बहुत खेला करते थे ये लोग बचपन में, ऐसा बताते हैं। पुराने दोस्त मिलेंगे। हाँ दोस्त यार मिलेंगे सब। अरे बहुत सारे लोग मिलेंगे बचपन के दोस्त, लंगोटी वाले यार मिलेंगे और पता नहीं कौन कौन मिलेंगे इन लोग को। हमारे यहाँ मुंडन गांव में ही होता है। बैठो बेटा, जो ये मुंडन है छोटा, वो हमारे यहाँ है तीसरे साल, और गांव में ही शंकर जी के मंदिर में होता है। एक पास में आ गई ससुराल, तो मैंने थोड़ा सर भी ढक लिया है। यहाँ पे कोई भी मिल सकता है, जैसे ससुर जी, कोई भी बड़े लोग का मंदिर जहाँ पे मुंडन होता है बच्चों का। उसी ये पूरा पूजा का अरेंजमेंट हुआ है, यहाँ पे कथा वगैरह हुई है, और एक्चुअली बैंड इतना तेज बज रहा है कि मेरी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। और ये जिनके भैया के बच्चे का मुंडन था तो वो हवन कर रहे हैं। और ये है हमारे खेत वगैरह, नदी के किनारे पड़ता है, ये नदी सूख चुकी है क्योंकि बारिश इतना बहुत कम हुई थी, तो ये नदी सूख चुकी है पूरी तरह से। दोस्तों ये मेरे गांव का भंडारा प्रोग्राम है जो सुशील सिंह द्वारा किया गया है, और ये बहुत अच्छा है। देवी जी का मंदिर है शंकर जी का, और यहाँ पे नदी परिसर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सारा कार्यक्रम लगभग पूजा पाठ का फिनिश हो चुका है और मुंडन वगैरह भी हो गया है, तो अभी सारी लेडीजें खाना खा रही हैं, और खाना खाने के बाद हम निकलेंगे घर के लिए। पुराना घर जहाँ हम लोग नहीं रहते हैं, तो एकदम जर्जर हो गया है ये। और ये हैं बड़ी सास जो खाना खा रही हैं। खेलो हमारे बड़े ससुर का, ये खा रही हैं सबको घर। घर में भी कोई नहीं रहता है, कभी कभार ही लोग आते हैं रियली, तो इसकी वजह से इन्होंने भी गांव में अपना मकान नहीं बनाया है। ये हमारी
तुलसी जी हैं, काफ़ी टाइम से लगी हुई हैं ये आंगन में। देखो, चलो दीदी के पास चल रहे हैं।